नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। मेरा नाम मनोज कोले, एवरीबॉडी वेलकम फ्रॉम कोले टेलीविजन। दोस्तों, आज मैं आपको दिखाऊंगा एक सीक्रेट टिप्स, इस पैनल में क्या प्रॉब्लम है। VGL और VGH शॉर्ट रहेगा तो वो शॉर्ट इस मशीन का माध्यम से आप कैसे रिमूव करेंगे, पूरा डिटेल्स मैं आपको दिखाऊंगा। वीडियो स्किप मत करिए, एंड तक देखते रहिए दोस्तों। ये हमारा इस मशीन का यूज, हाउ टू यूज दिस डिवाइस, पार्ट 4 होगा। ऑलरेडी पार्ट 3 अपलोड किया है, आपको बहुत रिस्पॉन्स मिला है, इसलिए आपको सबको थैंक्स। और इस मशीन का बारे में बहुत सारी आदमी व्हाट्सएप में फोन करके पूछ रहा है इसका प्राइस क्या है। इसका प्राइस है 10,000। और दोस्तों, हमारा जो नेक्स्ट अपडेट प्रोग्राम स्टार्ट होगा, गुड न्यूज है टेक्नीशियन के लिए। जनवरी मंथ का लास्ट वीक 28, 29, 30, 31 और फरवरी मंथ का लास्ट वीक है। देखिए स्क्रीन पर पूरा शेड्यूल है, आपका हिसाब से आप टाइम मिलेगा तो हमारा प्रोग्राम अटेंड कर सकते हैं। हमारा एक बैच में 10 आदमी रहता है, उससे ज्यादा नहीं होगा। ये प्रोग्राम कोई शादी बड़ी हॉल में नहीं होता है, हमारा खुद इस टेबल में, अब जहां पर आप ये प्रोग्राम देख रहा है इसी पर ही वो प्रोग्राम होगा। हमारा दूसरा भी रूम है। तो दोस्तों, आप ये मशीन डिटेल्स कैसे यूज करेंगे, बहुत सारी वीडियो में आपको बना के दिखा दिया है ऑलरेडी। गेट सिग्नल में शॉर्टेज होगा तो कैसे आप रिमूव करेंगे, कैसे वो रिजॉल्व करेंगे, मैं दिखाया। तो आज दिखाऊंगा VGL और VGH शॉर्ट है, ये शॉर्ट आप कैसे मशीन का माध्यम से ओपन करेंगे। पूरा एंड तक वीडियो देखते रहिए, आप बहुत कुछ सीक्रेट नॉलेज यहां से देख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं शुरुआत करूं। देखिए, ये एक पैनल मैं ओपन करके रखा, मैं आपको दिखाऊंगा, आप पूरा वीडियो देखिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, ध्यान से ये वीडियो देखिए देखिए। और मशीन सबसे मान लीजिए इसी पैनल में आपका यहां से तो VGL VGH इस गेट कॉम में जाएंगे, तो यहां पर मान लीजिए VGL VGH बहुत सारी टैग रहेगा, VGL VGH STB CPV और 3.3 वोल्ट OE, बहुत सारे ट्रैक जाएंगे। तो मान लीजिए VGL VGH शॉर्ट होता है, कभी कभी VGL VGH STB सब भी शॉर्ट हो जाता है। तो मान लीजिए मैं आप आज जो देखाऊंगा VGL और VGH लो ओम्स हो गया, वो 20 ओम्स भी हो सकता है, 100 ओम्स भी हो सकता है, ओम्स का अंदर है, ठीक है। तो वो कैसे आप रिमूव करेंगे हमारा शॉर्ट रिमूवर मशीन का माध्यम से। ये VGL VGH शॉर्ट होगा तो आपको जो DC to DC IC है वो प्रोटेक्शन में चला जाएगा, आपको DC to DC IC वर्क नहीं करेगा। उसको हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए सबसे पहले देखो मशीन को जो आपको सेटअप करना पड़ेगा, आप देख लीजिए। पहले मशीन ऑन करिए, उसके बाद यहाँ पर जो हमारा वोल्टेज चेंजर रेगुलेटर है इसको 12 वोल्ट में रखिए, 12 वोल्ट में रख सकते हैं और 20 वोल्ट भी रख सकता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और उसके बाद आप एक टिकरिंग ऑन कर लीजिए, ठीक है। टिकरिंग इसी कंडीशन में रखिए, वो प्रैक्टिकली हमारा क्लास में सब डिटेल्स देता हूँ और आपको मैं डिटेल्स दे रहा हूँ। ये जो मैं वीडियो आपको शेयर कर रहा हूँ ऐसा ही वीडियो हमारे प्रैक्टिकल क्लास में होता है। तो देखिए ऐसा मशीन ऑपरेटिंग रहेगा, ये तो यहाँ पर हमारा ऐसा है, और ये कहाँ पर आप कनेक्ट करेंगे ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कोई आपको दिक्कत रॉन्ग कनेक्शन करेंगे तो आपको पैनल रेडी नहीं होगा, दूसरा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। और देख लीजिए, देखिए इधर आइए, देखिए ये हमारा पॉजिटिव पॉइंट है। सबसे पहले देखो यहां से इसी ट्रैक से VGL और VGH इस ट्रैक का माध्यम से यहाँ पर जा रहा है। यहाँ पर कॉप का डेटा शीट निकाल लीजिए, VGL और VGH कौन सा पॉइंट है वो देखिए। सबसे पहले इस पॉइंट आपको टच करना पड़ेगा पॉजिटिव में, तो इधर नहीं, याद रखिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मान लीजिए ए पॉइंट हमारा VGH है, यहाँ पर ए पॉजिटिव यहाँ पर लगा दीजिए, ठीक है, पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पर लगाइए। और नेगेटिव जो है यहाँ पर जो VGH पॉइंट है वहाँ पर लगाइए,
वहां पर लगाइए वीजीएच पॉइंट जो है, यहां पर भी वीजीएच और यहां पर भी वीजीएच, और ये जो वीजीएच यहां से आ रहा है उसको काट करेंगे, काट करने के बाद यहां पर लगाएंगे तो आपको टैग बर्न हो जाएगा। क्यों कैसे हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों, ठीक है मैं आपको ड्राइंग करके देखा रहा हूं, आप अच्छा से समझ लीजिए। मान लीजिए ये हमारा वी जी एच पॉइंट है, ठीक है, तो ये टैग तो यहां से आ रहा है, यहां से आएंगे और यहां पर आ जाएंगे, यहां पर आ जाएंगे ना। तो इस बार देखिए इस टैग में यहां पर लगाया, ठीक है, सॉरी ये ओपन हो गया, यहां पर लगाइए और ये जो दूसरा ट्रैक है वो यहां पर लगाइए। तो क्या हो रहा है, ये दोनों ट्रैक का अंदर नेगेटिव पॉजिटिव एक हो जा रहा है ना, इसीलिए तो ये तो ट्रैक बर्न हो जाएगा। इजी टेक्निक है और वीजीएल में भी ऐसा ही होगा, शॉर्ट रिमूव हो जाएगा, उसका बाद आपको इस पॉइंट से यहां पर कनेक्ट कर देंगे। दोस्तों ये टेक्निक आपको कैसे लगा आप प्लीज हमको कमेंट बॉक्स में लिख के और शेयर करके लाइक करके बताइए, देखते रहिए। तो वीजीएल वीजीएच में हो जाएगा, और वीजीएल में ऐसा करिए यहाँ पर वीजीएल जो पॉइंट है वीजीएल में रखिए, और यहाँ पर जो वीजीएल है वहाँ पर रखिए, इसका अंदर जो ट्रैक जा रहा है वो बर्न हो जाएगा। समझ में आ रहा है दोस्तों, लेकिन ये टच करने के पहले इधर से जो आ रहा है उसको काटिंग करना पड़ेगा, काटिंग करने के बाद आप टच करेंगे, उसका बाद आप यहाँ से एक वायर लेके यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। एक परमानेंट सोल्यूशन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम बहुत सारे सेट में ये मेथड अप्लाई किया है, सक्सेस है, अभी तक कोई रिटर्न नहीं आया और रिटर्न नहीं आएगा, ये 100% परमानेंट सोल्यूशन है दोस्तों, इस मशीन के माध्यम से आप कर सकते हैं। और ये दोनों और बहुत सारे तरीका है, ये हमको अच्छा लगा इसीलिए मैं आपको ये दिखाया, ठीक है। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद हुआ तो प्लीज़ इसको आपका जो फ्रेंड है उसके साथ शेयर करिए, और आगे भी मैं बहुत सारी टेक्निक इस मशीन का माध्यम से आप यूज़ करके पैनल रेडी करेंगे धीरे धीरे मैं शेयर करते रहूँगा। और हमारा जो नेक्स्ट अपडेट प्रोग्राम स्टार्ट होगा जनवरी मंथ का लास्ट वीक, स्क्रीन पर देखिए शेड्यूल आ जाएगा, और फरवरी मंथ का लास्ट वीक, और हमारा बांग्लादेश में प्रोग्राम होगा जनवरी मंथ पे, डेट तुरंत मैं अनाउंस करूँगा। ओके, ऑल द बेस्ट।